राहत देने के लिए आज राज्य में उपभोक्ताओं को रियायती दर पर प्याज उपलब्ध करवाया जा रहा है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा एवं सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार धक ने बुधवार को इस व्यवस्था का शुभारंभ किया। इसके अनुसार आज 10 जगहों पर सस्ते दामों में प्याज मिल रहे हैं। उपभोक्ताओं को महज 35 रुपये प्रति किलो की दर पर प्याज उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। वर्तमान में बाजार में 60 से 70 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर प्याज उपलब्ध होते हैं। NCCF के शाखा प्रबंधक ए संदीप ने बताया है कि शहर के अलग अलग स्थानों पर यह वैन खड़ी है और एक व्यक्ति अधिकतम 3 किलो प्याज की सस्ती दर पर प्याज वो खरीद सकता है। उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर और करौली में भी ये रियायती दरों पर प्याज उपलब्ध करवाया जाएगा। सोमोआनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। तो सोमू, एक बात जो मैं पढ़ रहा था इसके बारे में जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी वो ये लगी कि अलग अलग जगहों पर ये मोबाइल वैन्स लगाए जाएंगे और मान लीजिए कि प्याज ख़त्म हो जाते हैं तो फिर ये वैन जाएगा और करीबन 15 क्विंटल प्याज फिर ये लेकर आएगा। ये भी बात सामने आ रही है, लोगों की क्या प्रतिक्रिया, लोग इससे कितना खुश? बिल्कुल, देखिए लोगों के लिए काफ़ी राहत भरी खबर है और यहाँ पर ये जो मोबाइल वैन है यहाँ पे लगी भीड़ जो है वो बता रही है कि लोग कितने उत्साह के साथ यहाँ पर आ रहे हैं। जाहिर तौर पे जो प्याज बाजार में 50 रुपये से 60-70 रुपये प्रति किलो तक मिल रहा है वही प्याज इन्हें यहाँ पर 35 रुपये प्रति किलो की दर से मिल रहा है, तो लोग आ रहे हैं यहाँ पर। ये भाई साहब हैं, अभी तुरंत प्याज खरीदा है, कितना प्याज लिया आपने? 2 किलो। 2 किलो कितनी बचत हुई आपकी? जहाँ बाजार में 50-60 दे रहे तो ज़्यादा नहीं, डिफरेंट नहीं है यार। में 60 रुपये है, यहाँ पे 35 रुपये मिल रहा है, 3 किलो प्याज मिल रहा है, तो वैसा 15-45 रुपये तो हो ही गए करीब काफ़ी 40% के करीब जनता को राहत मिल रही है। सरकार अगर ऐसा सोचे तो बहुत जनता खुश रहेगी। ये सरकार का विचार अच्छा है, इस तरह से और भी चीज़ों में सरकार को सोचना चाहिए। किन चीज़ों में सोचना चाहिए? अब जैसे अभी टमाटर थे, टमाटर बेचे, अभी भी वापस टमाटर के भाव ऊपर चढ़ रहे हैं। ऐसे एक दो चीज़ें और है, जैसे आलू है, तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी है जो जनता को बहुत ज़रूरी है। ये आलू खा करके भी आदमी काम चला सकता है, तो ऐसा अगर सरकार इस बारे में 2-3 चीज़ों में सोचे, बाकी तो अब जो हो रहा है सब सिस्टम के साथ जो चल रहा है चल ही रहा है। NCCF की ये पहल है अभी। हाँ बताइए सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये है दे तो रहे हैं लेकिन जो प्याज जिस रेट में मिल रहे हैं वो इससे लाख गुना अच्छे हैं। ये तो वही बात हो गई, ऊँट के मुंह में जीरा। आप प्याज की क्वालिटी से संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, क्योंकि प्याज वैसे नहीं है जैसे हम चाहते हैं, क्योंकि ये तो वही कहा ना, ऊँट के मुंह में जीरा। इतने भी ख़राब नहीं है, ठीक है, वो क्वालिटी इससे अच्छी है उसी, लेकिन इस रेट के हिसाब से उतने भी ये ख़राब नहीं है। अब ये तो क्या है, सरकार एक साथ लोट खरीदती है, वो छांट करके बेचते हैं, दोनों चीज़ों का फ़र्क है। आप भी कुछ बता रहे थे प्याज के बारे में, प्याज की क्वालिटी कैसी लगी? आपने प्याज ले लिया है? आपने प्याज ले लिया, कैसी लगी क्वालिटी? अभी लिया नहीं, अब ले रहा हूँ मैं। अच्छा, देखा आपने? बाकी जो बाजार से जो मिल रहा है उससे तो ठीक है, 60-70 रुपये किलो मिल रहा है, यहाँ पे 35 रुपये किलो मिल रहा है, रेट को देखते हुए ठीक है। तो अभी ये दीदी है, इन्होंने लिया है प्याज, आपने ले लिया प्याज? हाँ सर। इतनी बड़ी बचत हुई आप? अब 1-20 भी बच जाए तो बहुत है। अभी बाजार से लेती हैं आप तो किस दर पे प्याज लेती हैं? अब ले रहे हैं, वो कम ले रहे हैं। हाँ। कम खा रहे हैं। क्या रेट आ रहा है? 50 से तो कम है नहीं। तो और आप किन किन सब्जियों के दाम चाहती हैं कि कम हो? प्याज की क्वालिटी कैसी है? वो तो ऐसी अब मजबूरी से ले रहे हैं, काम चलाओ ठीक है। क्वालिटी को लेके भी मिक्स रिस्पांस जो है वो लोगों का है, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो संतुष्ट हैं प्याज की क्वालिटी से, कुछ लोग कहते हैं कि इसे और बेहतर होना चाहिए जाहिर तौर पे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो प्याज बाजार में काफ़ी महंगी दरों पे मिल रहा है वो यहाँ पर 35 रुपये प्रति किलो मिल रहा है, 3 किलो का जो बैरियर है वो यहाँ पर नहीं है, उससे ज़्यादा प्याज भी लोग खरीद के जा रहे हैं, 5 किलो तक प्याज लोगों ने खरीदा है और इसलिए ये एक बड़ी राहत यहाँ पर NCCF की तरफ से, क्योंकि प्राइस स्टेबिलिटी फंड के तहत ये शुरू किया गया है, तो इसलिए ये सहकार मार्ग पे जो दुकान है वह है। इसके अलावा जयपुर में अलग अलग जगहों पर, खासतौर पर वैशाली नगर, शिप्रापथ, झोटवाड़ा और श्यामनगर मेट्रो स्टेशन समेत 10 स्थानों पर ऐसे स्टॉल जो है लगे हैं और यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। सुबह से अगर सिर्फ इस दुकान की बात करें तो अभी हमारे दुकानदार से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि 70 से 80 लोग जो है वो आ चुके हैं और प्याज लेकर जा चुके हैं। बिल्कुल सोमो, और एक बात जो हम आपसे सुबह भी बात कर रहे थे उसमें ये आ रही है कि लोग कहीं ना कहीं क्वालिटी को लेकर
उस पर एक क्वेश्चन मार्क जरूर, अंकुश जरूर लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जैसा आपने लोगों से बात की, वो कह रहे हैं कि जो मिलता है वो प्याज यहाँ पर उस क्वालिटी का नहीं मिल रहा है। कौन कौन से और जगहों पर, और सोमू ये बात जो मैंने आपसे पहले पूछी थी, जो बात आई है कि जो वैन्स होंगे जब 15 क्विंटल ख़त्म हो जाएंगे तो फिर ये अपने गणतव्य पे जाएंगे और उसके बाद पुनः ये वहाँ पर लौट जाएंगे जहाँ पर ये इनको आना था। बिल्कुल, देखिए शाम के 5 बजे तक जो है वो प्याज का वितरण होना है और उससे पहले अगर ये प्याज खत्म हो रहा होगा तो स्टॉक की रिफिलिंग होगी, ऐसा बताया गया है। क्वालिटी की जहां तक बात है, देखिए यही पर हमने लोगों से बात की, मिक्स्ड रिस्पांस है क्वालिटी को लेकर। कुछ लोग चाहते हैं कि क्वालिटी और अच्छी हो, कुछ लोग बता रहे हैं कि जो क्वालिटी मिल रही है वो ठीक ठाक क्वालिटी है, उसको उपयोग में लाया जा सकता है। तो क्वालिटी को लेकर के भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल असंतोष जैसी ही भावना है। हाँ, लोग चाहते हैं कि थोड़ी बेहतर हो सकती है क्वालिटी, लेकिन कुछ लोग संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि बेहतर हो। और क्योंकि जयपुर की ही अगर हम बात करें तो 10 ऐसी जगह हैं जहां पर ये मोबाइल वैन जो है वो लगे हुए हैं, खासतौर पर शिप्रापथ में लगा हुआ है, लाल कोठी में है, श्यामनगर मेट्रो स्टेशन के पास, वैशाली नगर में, झोटवारा में, 10 ऐसी जगह हैं जहां पर सस्ती दरों पर लोगों को प्याज जो है NCCF की तरफ से मुहैया कराया जा रहा है।